सभी को मेरा प्यार मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग शुरू करूं, बट कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मैं ब्लॉगिंग शुरू नहीं कर पाई थी। फाइनली अब जाकर मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर की कुछ शादी की मेमोरीज शेयर कर रही हूं। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग जो है कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी अपना सुझाव लीजिए, ताकि मैं जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। ये है शादी का पहला दिन, मेहंदी। जिस दिन मैं शिमला से करसोग पहुंची और मैंने शाम को मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया। तो ये जिसे आप देख रहे हो, ये हमारी प्यारी बहन है जिनको मेहंदी लग रही है। मेहंदी के दिन हमने खूब सारा एंजॉय किया, हमने खूब सारा डांस किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहाड़ों में नाटी के बगैर हर फंक्शंस को अधूरा माना जाता है, वैसे हमने भी फंक्शन के एंड में नाटी की और नाटी को खूब सारा एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12-1 बज गए थे। तो फिर हम लोग सोने चले गए और मम्मी मासी नेक्स्ट डे की तैयारी में लग गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मामा स्वागत और हल्दी सेरेमनी थी। अगला दिन शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि आज हल्दी और मामा स्वागत है। अब घर वाले जो है अपने कुल देवता जी के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बस वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर इमला बिमला नदी का संगम है, जहाँ से लोटे में पानी भरकर घर लाया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मामा पहुंच गए हैं। मैंने भी इन लोगों को ज्वाइन किया। आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी कम लोग हैं। फैमिली में कुछ इश्यूज हुआ था, मिस हैपनिंग हुई थी, जिस वजह से कि सभी रिलेटिव्स नहीं आ पाए थे। इसके बाद हम नाचते हुए गेट के पास गए और वहां पर मामा का स्वागत किया गया। अभी दीदी को हल्दी लग रही है, सभी रिलेटिव्स दीदी को हल्दी लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने खूब सारा डांस किया और आज हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बारात आनी थी। नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, आज लास्ट दिन है बारात का दिन।
तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे 4 बजे और दीदी को तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम लोग खुद तैयार हुए। सभी लोग 6 साढ़े 6 बजे तक तैयार हो गए थे क्योंकि दूल्हे का जो गेट पर स्वागत वो जल्दी था, तो उसके बाद हम लोगों ने दूल्हे का स्वागत किया। 7 बजे तक बारात गेट पर आ गई थी और हम सब बहनें जो है गेट पर जीजा जी के वेलकम करने के लिए खड़ी हो गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडी बिलासपुर और कांगड़ा की धाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये शादी है ये मंडी के करसोग में है और करसोग मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पर भी मंडियाली धाम बनाई जाती है। तो हम लोगों ने वहाँ पर मंडियाली धाम खाई और उसमें 7 तरह के सलोने बने थे। सलोनों का मतलब होता है दाल और सब्जियां, और हमने सभी सलोनों को टेस्ट करा और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे और हमें मंडियाली धाम खाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब रस्में शुरू होती है। सभी भाइयों ने दीदी को मंडप तक लाया और उसके बाद वरमाला की विधि थी, जो कि जीजा जी और दीदी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, पर जीजा जी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। भैया ने दीदी को गोदी में उठाया था और जीजा जी ने एट द एंड दीदी को वरमाला पहनाई, और इसके बाद जो है 7 फेरों की रस्में शुरू हुई। खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा डांस किया जाए, और उसके बाद हमने बहुत सारा डांस किया क्योंकि तो उसके बाद विदाई होनी थी। आज उस पिता की पलकें खुशी और गम में भीगी थी क्योंकि आज उसकी बेटी की विदाई थी जो घर को कल तक महकाई थी। ये शादी की अंतिम घड़ी है विदाई। एक लड़की और उसके परिवार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है विदाई, जहां लड़की को अपने घर को छोड़कर, जहां उसका बचपन से अभी तक का समय बीता, उन लोगों के बीच जिन्होंने उसे लाड़ प्यार से पाला, पिता की लाडली, माँ की दुलारी, भाई की प्यारी, बहन की सखी, आज उसे इन सब से दूर जाकर दूसरे घर में नई शुरुआत करनी है।